हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, संख्याओं के साथ खेलना। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम बेसिकली दो टॉपिक पढ़ेंगे, गुणनखंड और गुणज। और गुणज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड से आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए कोई भी संख्या है जैसे 15, इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर वापस यही संख्या में मिल जाए। जैसे 15 को हम कैसे तोड़ पाएंगे, देखिए। जैसे हम लिख सकते हैं 1 × 15। जब हम 15 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। इसी तरह से अगला जो हम देखें कि हम 3 को गुणा कर सकते हैं 5 से, तो भी हमें क्या मिलेगा, 15। 5 को हम गुणा कर सकते हैं 3 से, तो भी हमें क्या मिलेगा, 15। तो देखिए, ये जो होंगे यानी जिन संख्याओं में हमने इस 15 को तोड़ा है यानी गुणा कराया है, वो होंगे इसके गुणनखंड। तो हमने कहा कि जो 15 है उसके गुणनखंड क्या होंगे। पहला गुणनखंड होगा 1 × 15, 3 × 5, और अगला होगा 5 × 3। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुणज की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुणनखंड की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है। देखिए, गुणनखंड एक संख्या का, गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। देखिए, ये कहना चाहता है जैसे हमने कोई भी संख्या ली, 16 ली, तो इसके गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड होंगे 1 × 16, 4 × 4, 2 × 8, 8 × 2, इस तरह से इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो ये जो संख्याएं होगी, यानी कि अगर मान लीजिए सबसे पहले इस गुणनखंड को उठाएं, तो ये होगा 1 × 16। ये जो संख्याएं हैं दोनों, ये इस 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगी। अगर हम 16 को 1 से भाग दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16। इसी तरह से हम 16 को 16 से भाग दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। अगर हम बात करें दूसरे गुणनखंड की, 4 × 4, 4 को हम भाग दें 16 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4, और फिर वहीं 16। तो ये कहना चाहता है कि अगर हमें गुणनखंड करना है तो हमें उसको इस तरीके से तोड़ना होगा कि जो हमें संख्याएं मिलेगी उनका पूरा पूरा भाग उस संख्या में, मूल संख्या में जा सके। मूल संख्या कौन सी होगी, जैसे हमने भी एग्जांपल लिया 16, तो जो मूल संख्या है वो क्या होगी, 16। तो बस गुणनखंड में सिंपली यही करना था। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं एक सबसे पहले। तो एग्जांपल नंबर है हमारा फर्स्ट, हमें 45, 30 और 36 के गुणनखंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, एग्जांपल कर रहे हैं हम। सबसे पहले 45 को हम कौन सी दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले 1 × 45, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 45। दूसरा है, 45 को हम तोड़ सकते हैं 3 × 15, क्योंकि अगर हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 × 3 = 45। ये हो गया एक, ये दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे की, तो ये होगा 5 × 9, क्योंकि 5 × 9 = 45। 9 के पहाड़े में भी इसका भाग जा सकता है, ये आएगा 45। तो 45 के हमारे पास संभावित गुणनखंड, यानी कि जो इसके गुणनखंड हम कितने कर सकते हैं, 4 गुणनखंड होंगे इसके अंदर। पहला होगा 1 × 45, दूसरा होगा 3 × 15, अगला होगा 5 × 9, और उसके बाद होगा 9 × 5। तो इससे हमारे पास चार ये जो परिणाम आए हैं, तो हमें पता चल गया कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1, 3, 5, 9, 15 और 45 गुणनखंड ये हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी का भाग
45 में जा सकता है, तो हमारे पास 45 के गुणनखंड क्या है, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। इसी तरह से हम बात करते हैं हमारा जो अगला पार्ट है यानी कि 30 के गुणनखंड। तीस के गुणनखंड में देखिए, सबसे पहले हम करेंगे 1 × 30, उसके बाद 2 × 15, क्योंकि देखिए 1 को 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30, और 2 को 15 से जब हम गुणा करेंगे तो भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 30। उसके बाद 3 × 10, इस ये भी हमारा आंसर होगा 30। उसके बाद 5 × 6, ये भी होगा 30। 5 के पहाड़े से गया और 6 के पहाड़े से भी जा सकते हैं। 6 को हम कहाँ तक पढ़ेंगे, तो 5 तक अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। तो हमें पता चल गया कि जो 30 के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 30 के गुणनखंड होंगे हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। तो 30 के गुणनखंड आए हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अगर हम 30 को इनमें से किसी से भी भाग दें तो भाग जो हमारा है वो पूरा पूरा चला जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है 36। देखिए 36 के गुणनखंड हम क्या क्या कर पाएंगे। सबसे पहले 1 × 36, सेकंड हमारा होगा 2 × 18, नेक्स्ट होगा 3 × 12, ये भी हमारा जो आंसर आया हुआ है 36। नेक्स्ट है 4 × 9, क्योंकि जब हम 4 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 36। आगे है 6 × 6। तो देखिए हमें पता चला कि 36 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इन सभी का जो भाग है वो 36 में जा सकता है। तो हमें पता चलेगा कि 36 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। अब हम बात करते हैं गुणज की। गुणनखंड हमने सीख लिए कि गुणनखंड क्या होते हैं, किसी भी संख्याओं को बस 2 भागों में तोड़ना होता है। तोड़ना इस प्रकार से कि गुणा करने पर हमें वही संख्या वापस मिल जाए। अब हम बात करते हैं गुणज क्या होता है। गुणज देखिए, गुणज आप सिंपल समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या आपके पास, जैसे मान लीजिए 2, उसको आपको पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती है, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। तो 2 को आपको इन पूर्ण संख्याओं से गुणा करने पर जो भी हमारी संख्याएं प्राप्त होगी वो 2 की गुणज होगी। देखिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं 0 से, हमारे पास आंसर क्या आया, 2। 2 को हमने गुणा किया 1 से तो भी हमारे पास आंसर आया 2 सॉरी 2 को जब हमने 0 से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 0। 2 का जब हम गुणा किया 2 से तो हमारे पास आंसर आया 4। 2 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर आया 6। तो इसी तरह से हम 2 को गुणा करते रहेंगे, 4, फिर 5, 6, 7 और इसी तरह से अनंत तक जब हम 2 को गुणा करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे सारे जितने भी हमारे यहाँ पर आंसर आ रहे होंगे वो क्या होंगे, 2 के गुणज होंगे। तो हमें पता चला कि किसी भी संख्या को जब हम पूर्ण संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमारे पास जितने भी आंसर आएंगे वो 2 के क्या होंगे, गुणज। जैसे एग्जांपल सिंपल हम गुणज को कैसे देख सकते हैं, जैसे टेबल है किसी भी संख्या का, जैसे 3 का जो पहाड़ा है उसके अंदर जब हम इसको पूर्ण संख्या से गुणा कराएंगे तो 0 से यहाँ पर 3, 3 को हमने गुणा किया 1 से यह आया 3, यहाँ पर 0 आएगा। 3 का जब हम गुणा किया 2 से तो ये आएगा 6, 3 का जब हमने गुणा किया 3 से तो आया 9। इसी तरह से हमने गुणा किया यहाँ पर और 3 को हम गुणा करते हैं 10 तक।
तो ये जो 0, 3, 6, 9 आगे जितने भी बीच में आएंगे यहाँ से लेकर 30 तक, इससे आगे भी आप इसे 11 से गुणा करा सकते हैं, 12 से, 13 से, 14 से, अनंत तक जितने भी हमारे जो आंसर आएंगे यहाँ पर, ये 3, 6, 9, ये यहाँ पर 12 आएगा, फिर 15, 18, इसी तरह से आगे तक जितने भी हमारे जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, गुणज होंगे। इसी तरह से अब हम एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, हमें फाइंड करने हैं 5 के गुणज, 5 के गुणज। एग्जाम्पल है सिंपल कि 5 के गुणज हमें फाइंड करने हैं जो 50 से क्या हो, छोटे हों। तो 5 के गुणज क्या होंगे, सबसे पहले देखिए 5 का हमने गुणा किया 0 से, हमारे पास आंसर क्या आया, 0। 5 का जब हमने गुणा किया 1 से तो हमारे पास आंसर आया 5। 5 का हमने गुणा किया 2 से तो आया 10। 5 का जब हमने गुणा किया 3 से तो आया 15। 5 का जब हमने गुणा किया 4 से तो हमारे पास आया 20। 5 का गुणा 5 से करने पर हमारे पास आएगा 25। 5 का गुणा 6 से करने पर 30। 5 का गुणा 7 से करने पर 35। और 5 का गुणा 8 से करने पर 40। इसी तरह से 5 का गुणा 9 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। देखिए हमें ज्ञात करने से 50 से छोटे होने चाहिए सभी। जब हम इससे गुणा करेंगे 10 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50। तो ये हमें नहीं लेना होगा क्योंकि ये 50 के बराबर है, 50 से छोटा नहीं है। तो हमारे जो हमें गुणज मिलेंगे वो कहाँ तक मिलेंगे, 45 तक मिलेंगे। यानी जो हमने 5 के गुणज ज्ञात किए वो क्या होंगे, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो हमने बात की गुणनखंड और गुणज की। अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली 3.1 पर। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सबसे पहले हमारे पास संख्या है 24। इसका जो ए पार्ट है वो है 24, बी है 15, सी 21, डी 27। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम 24 की। इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो गुणज होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले जब हम गुणा करेंगे इसका 1 से, 1 गुणा 24, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24। और हम गुणा कर सकते हैं इसका 2 गुणा 12 से, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24। 3 से गुणा करेंगे ये होगा 8 पर और ये 24। उसके बाद जब हम गुणा करेंगे तो 4 गुणा 6 ये आएगा 24, 6 गुणा 4 24। देखिए इस तरह से आप बहुत सारे जो गुणज है वो ज्ञात कर सकते हैं। और हमें देखिए अगर हमें पता चल जाए कि अगर कोई भी संख्या 2 बार आ जाए, जैसे यहाँ पर 4, 6 और 6, 4 पहले आ चुकी है। देखिए 4 यहाँ पर पहले आ चुका है और 6 भी यहाँ पर पहले आ चुका है। जब कोई भी संख्या पहले आ जाए तो हमें वहाँ पर रुक जाना है क्योंकि उसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कि जो 24 के गुणज है वो क्या क्या होंगे, 24 के गुणनखंड हमारे पास होंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो 24 के हमारे पास गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। देखिए हमने यहाँ पर 6 और 24 तक यहाँ पर स्टॉप क्यों किया, क्योंकि ये जो 4 और 6 थे वो पहले आ चुके थे, तो उसके आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि देखिए गुणनखंड आप कितने मर्जी कर सकते हैं, जैसे आगे आप इसके आगे करना चाहें तो 8 को कर सकते हैं, फिर 8 का गुणा हो जाएगा 3 से, उसके बाद 12 से उसका 2 से हो जाएगा और इसका 24 से हो जाएगा।
इस तरह से आगे कर सकते हैं। लेकिन जब रिपीट स्टार्ट हो जाए यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, तब हम छः को जब चार से पहले गुणा कर चुके थे, उसके बाद आया छः गुणा चार, उसके बाद हमें रुक जाना है। अब हम चलते हैं हमारे जो बी पार्ट है उसकी तरफ। हमें 15 चाहिए तो हम गुणा करते हैं 1 × 15 से, उसके बाद 3 × 5 और 5 × 3। देखिए 5 और 3 पहले आ चुके हैं तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, 15 के गुणनखंड एक, 3, 5, 15, ये जो है हमारे गुणनखंड होंगे। तो हमने हमारा ये जो बी पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब है बारी अगले पार्ट की, इसे हम नीचे नोट कर देते हैं, 1, 5 और 15। अब बात करते हैं सी पार्ट की। देखिए 21 हमें चाहिए तो हम सबसे पहले 1 का गुणा कर सकते हैं 21 से, उसके बाद 3 का गुणा कर सकते हैं 7 से, और 7 का गुणा कर सकते हैं 3 से। हमारे पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, 21। तो रिपीटेशन स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि 7 हमारे पास पहले आ चुका है और 3 भी हमारे पास पहले आ चुका है। तो जो 21 के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 21 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 3, 7 और 21। तो हमारे पास 21 के गुणनखंड आए 1, 3, 7 तथा 21। अब आता है डी पार्ट, हमें फाइंड करना है 27 के। तो सबसे पहले 1 × 27, उसके बाद 3 × 9 और 9 × 3। तो अब रिपीटेशन वापस स्टार्ट हो चुकी है, हमें यहाँ पर स्टॉप करना होगा और 27 के जो गुणनखंड होंगे वो हमारे पास क्या आ गए, 1, 3, 9 और 27। तो हम क्या कह सकते हैं कि 27 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 3, 9 और 27। अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर। इस क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट कर लिए, अब हम बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट है 12, उसके बाद एफ 20, जी है 18, अब है सबसे पहले 12। 12 के तो 12 हमें चाहिए तो हम गुणा कर सकते हैं 1 × 12 से, उसके बाद 2 × 6 से, और 3 × 4 से, 4 × 3 से। तो देखिए हमारे पास जो गुणनखंड आए वो क्या क्या होंगे, 12 के गुणनखंड होंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6 और 12। देखिए हमने यहाँ पर पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें देखा था कि अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो रुक जाना है। देखिए अगर वैसे तो कोई मतलब नहीं है रुकने का, अगर आप करना चाहे आगे कर सकते हैं। इसके आगे क्या होगा कि अगर हम आगे करना चाहे तो क्या होगा, 6 × 2 और 12 × 1, आगे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम गुणनखंड देखेंगे तभी हमारे पास यही आंसर आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 हमारे पास है यहाँ पर। अब हम बात करें 6 और 12 की, 6 12 हमने लिख दिया, फिर वही 1, 2, 3, 4, 6 और 12। गुणनखंड जब हमें फाइंड करने आते हैं तो इनमें डिफरेंट जो संख्या होती है वो हमें उठानी होती है। जैसे हमने सबसे पहले 1 उठाया 2 उठाया 3 4, उसके बाद 6 और 12, और ये जो संख्याएं थी ये तो हम पहले ले चुके थे, क्योंकि 1 यहाँ पर आ चुका था, 2 भी आ चुका था, 3 भी हमारे पास था, 4, इस तरह से 6 और 12 भी हमारे पास थे। तो अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो हम वहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि उसके आगे वही संख्या यानी स्टार्ट हो जाएगी वापस से। अब है बात नेक्स्ट पार्ट की, 20। तो 20 का गुणा हम 1 से कर सकते हैं, 2 × 10, 10 × 2, और भी कर सकते हैं। देखिए
पाँच गुना चार भी कर सकते हैं, चार गुना पाँच ही हो सकता है। तो रेपिटेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप आगे करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दस गुना दो और एक गुना बीस। जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या होंगे, देखिए सबसे पहले एक दो चार पाँच, पाँच चार दस और एक बीस। क्योंकि जब हम लिखेंगे कि हमारे पास जो गुणनखंड है वो एक दो चार पाँच दस और बीस, तो ये बाकी जो संख्याएं ये सिर्फ रेपिटेशन के अंदर है। जो एक दो चार पाँच दस और बीस है वो हम पहले यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर रुक भी सकते हैं, यानी हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से हमारे पास जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, एक दो चार पाँच और उस दस और बीस। अब है अगला पार्ट, अगला पार्ट है 18। 18 के गुणनखंड क्या होंगे, तो सबसे पहले एक का गुणा हो सकता है 18 से, उसके बाद दो का गुणा हो सकता है 9 से, और तीन का गुणा 6 से, 6 का गुणा 3 से। देखिए वैसे तो रेपिटेशन स्टार्ट हो चुकी है, रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, 9 गुणा दो और 18 गुणा एक। तो हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे वो क्या क्या होंगे, एक जब हम एक का 18 में भाग देंगे तो हमारे पास आंसर पूरा पूरा जो आंसर आएगा वो आएगा 18, उसके बाद दो, तीन, छः, नौ और 18। यहाँ से अगर हम कोई संख्या लेनी चाहें, क्योंकि एक हमारे पास है यहाँ पर, दो भी हमारे पास है, तीन भी हमारे पास है, छः नौ 18 भी हमारे पास है, तो हमारे पास जो गुणनखंड है वो क्या है, एक दो तीन छः नौ और 18। तो इसी तरह से हमने हमारा जो जी पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब आता है हमारा एच पार्ट, एच और आई, ये है 23 और आगे 36। तो देखिए सबसे पहले 23 के सिर्फ आप दो ही गुणनखंड कर पाएंगे, एक तो सबसे पहले हमें 23 चाहिए, तो एक गुणा 23 और 23 गुणा एक, इससे ज़्यादा आप इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 23 के गुणनखंड एक और 23। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, एक और 23। अब है नेक्स्ट 36। 36 का देखिए 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6, उसके आगे देखिए वैसे तो यहाँ पर खुद की रेपिटेशन हो चुकी है, क्योंकि 6 का जब हमने 6 से गुणा किया तो हमारे पास 36 आ गया। अगर हम देखना चाहें और कुछ तो आगे वापस ये तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वापस इसका रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद 4, 12 × 3, 18 × 2 और 36 × 1, क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी कर सकते हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। तो हमारे पास जो 36 के गुणनखंड आएंगे वो क्या क्या होंगे, के गुणनखंड हमारे पास होंगे एक दो तीन चार छः नौ 12 18 और 36। देखिए हमने गुणनखंड क्या क्या लिए, सबसे पहले एक दो तीन चार छः, छः यहाँ पर आ गया तो हम इसे नहीं लिखेंगे, 9 12 18 और 36। तो हमने हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके आई तक जो पार्ट थे, यानी कि नौ पार्ट इसके थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप आपकी स्क्रीन पे है। निम्न संख्याओं के प्रथम पांच गुणज लिखिए। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका ए पार्ट, बी, सी पार्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले है 5, 8 और 9। 5, 8 और 9। तो गुणज हमने सीखे थे कैसे ज्ञात करने होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5। हमें सबसे पहले इसके अंदर 5 के जो गुणज है वो फाइंड करने होंगे। देखिए उसके जब हमने कुछ एग्जांपल किए थे उसमें हम पूर्ण संख्याओं का गुणा कराए थे, जिसमें इसमें हम जीरो को भी ऐड कर रहे थे। देखिए जीरो को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे आप सीधा एक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 के गुणज हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए 5 गुणा 1, 5, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, 5 गुणा 5। देखिए हमें जो पहली 5 यानी प्रथम 5 गुणज है वही ज्ञात करने हैं। तो इसके आगे जो आंसर आएगा वो आएगा 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 5 25। तो हमने जो 5 के जो हमारे प्रथम 5 गुणज है वो क्या है, 5 के अतः 5 के प्रथम 5 गुणज 5, 10, 15, 20 तथा 25 होंगे। तो हमारे पास जो गुणज आए वो आए 5, 10, 15, 20 और 25। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8। तो 8 के जो हमें 5 गुणज ज्ञात करने हैं, तो हम सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से और उसके बाद 5 से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40। एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें 5 तक पहाड़ा जो होता है वो लिखना है। तो आगे जो हमारे प्रथम 5 गुणज आए 8 के वो क्या क्या होंगे, 8, 16, 24, 32 और 40। नेक्स्ट है 9। उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 का गुणा सबसे पहले 1 से, फिर 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से और 5 से। तो सबसे पहले 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36 और 9 पाँचे 45। तो हमारे जो गुणज आए वो क्या क्या होंगे, 9, 18, 27, 36 और 45। यानी 9 के गुणज 9, 18, 27, 36, 45 होंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्तंभ, ये जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्तंभ 1 को हमें स्तंभ 2 के साथ मिलाना है। क्वेश्चन दिया गया है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की 2 के साथ मिलान कीजिए। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं 35। हमें देखना होगा कि 35 स्तंभ 2 में किस से मिल सकता है। 35 इसमें सबसे पहला पॉइंट है 8 का गुणज। क्या जो 35 है यानी जो 35 है वो 8 का गुणज है, नहीं। जो 35 है वो नेक्स्ट पार्ट है 7 का गुणज। तो क्या 7 का गुणज है 35? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम मिलान कर देंगे इससे। अब आता है सेकंड पार्ट 15।
15 पूछा गया है कि 8 का सबसे पहले देखते हैं, 8 का गुणा 6 नहीं, 7 का हो चुका है, 70 का नहीं, 30 का गुणनखंड, जी हाँ 30 का गुणनखंड है 15। देखिए उसके बाद 16, तो यहाँ पर 8 का गुणज, ये है 8 का गुणज। उसके बाद है 20, तो 20 क्या है, 20 का एक गुणनखंड है। उसके बाद 25, तो 25 क्या होगा, 50 का गुणनखंड। यहाँ पर जो ये 70 का गुणज है ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास मिल गए जो 35 है वो क्या है, 7 का गुणज है, जो 15 है वो 30 का गुणनखंड है, 16 है वो 8 का गुणज है, 20 है वो 20 का गुणनखंड है, 25 है वो 50 का गुणनखंड है। देखिए दोस्तों गुणज है वो, देखिए गुणज आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो संख्या होती है उसका जो गुणज होता है या तो वो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन जो गुणनखंड होता है वो बराबर होगा लेकिन हमेशा छोटा होगा, जो कि जो गुणनखंड है वो हमेशा संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन जो गुणज है वो बराबर तो होगा लेकिन बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है, इसमें हमने मिलान करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमने तीन क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर फोर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन नंबर फोर, हमें 9 के गुणज फाइंड करने हैं जो क्या हो, 100 से कम हो। तो देखिए हमें जो गुणज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें हम देखिए वैसे तो हम पूर्ण संख्याओं से गुणा कराते थे, लेकिन जब आंसर जब हम पूर्ण संख्या से गुणा कराते तो जो पहली संख्या होती थी वो होती थी 0। 0 से जब हम गुणा कराएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो वापस 0 आ जाएगा, इसलिए हम सीधा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 9 के गुणज होंगे क्या क्या, देखिए 9 गुणा 1 कितना आया 9, कॉमा 9 गुणा 2, देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका आप ये रखेंगे, कितना आया 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, उसके बाद 9 × 9 = 81 और लास्ट में 9 × 10 क्या होगा 90। लेकिन अब देखिए 90 हो गया, उसके बाद भी हमें आगे देखना है कि 100 से कम क्या हो सकते हैं, इसे आगे गुणा कर सकते हैं 11 से, 9 × 11 तो क्या होगा 99, 99 भी 100 से कम है, अगर हम और आगे जाएंगे 9 × 12 ये क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा 118, तो हमें ये नहीं लेना है। तो हमारे जो गुणज होंगे, अतः हम देखिए वर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 9 के गुणज, देखिए आप इसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर, गुणज क्या क्या होंगे, पहले 9, दूसरा 18, फिर 27 और फिर 36, 45, 54, 63, 72, 45, 54, 63, 72, उसके बाद 81, 90, 81, 90, एंड लास्ट इज 99। तो हमने यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन है वो कर लिया है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है 3.1 प्रश्नावली 3.1 वो भी हमारी कंप्लीट होती है। होपफुली जो आपको ये वीडियो है वो पसंद आई होगी, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।